गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ नूर, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताओ। तो वही, सबसे पहले तो मैं आपको मिलवाता हूँ। नूर, आपकी थोड़ा चेहरा नीचे कट रहा है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। नूर तो नूर है, आज तो नूर बना दिया आपने। बिल्कुल आज नूर छाया हुआ है, बहुत छाया हुआ है नूर आज चारों तरफ। थैंक तो यू सर। नूर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। इस समय थैंक यू सर। आप ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आए हैं, इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं। तो मेरे साथ इस समय राजकुमार सर हैं, जिनसे आपने इनडायरेक्ट टैक्स क्लास ली थी, साथ में आदित्य जैन सर हैं, जिनसे आपने एफएम की क्लास ली थी, और मैं हूं, जिनसे आपने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स की क्लास ली थी। तो आज हम आपका एक छोटा सा क्वेश्चनियर लेंगे, जो बच्चों के मन में हमेशा उत्सुकता रहती है। वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। कुछ क्वेश्चंस राजकुमार सर ने निकाल रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस आदित्य सर ने निकाल रखे हैं, और कुछ क्वेश्चंस मैंने भी निकाल रखे हैं। ठीक है, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको नूर, आपको और थैंक यू आपके सर। माता पिता को बहुत बहुत बधाई हो ये एक अचीवमेंट के लिए। बस थैंक पहले यू। चंद शब्दों में बता दो कि जब ये रिजल्ट आया, तो आपको पता जब चला, तो उस समय का क्या माहौल था? पूरा क्षण दर क्षण बताना कि भाई रिजल्ट आया, आपने खोला, या पहले इंस्टीट्यूट वालों का फोन आया, क्या था? पूरा एग्जैक्टली बताओ क्या हुआ। सर मैं तो सर 8 बजे से बैठा था लैपटॉप और फोन लेकर कि रिजल्ट आएगा आएगा। फिर 10:30 बजे पापा का फोन आया था दिल्ली से कि आपके बेटे का AR2 आया है। फिर पापा ने घर पे फोन किया था, हम तो रिजल्ट लैपटॉप देख रहे थे, आएगा रिजल्ट आएगा। फिर ओ पापा का फोन आया था घर पे। अच्छा, पापा का फोन, मतलब इंस्टीट्यूट ने पापा को फोन करके बताया था क्या? हाँ जी, वेरी पापा गुड। का तो ये नंबर था ना रजिस्टर, इसलिए पापा को फोन किया था उन्होंने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके पापा को तो बहुत एक्साइटमेंट हुई होगी उस समय कि हाँ हाँ बेटे के जी लिए हाँ रिजल्ट। जी हाँ तो जी फिर उसके सर। बाद आपके घर का माहौल क्या था? मतलब उस समय क्या हुआ आपके साथ? अचानक कुछ कैसा नहीं धक धक फीलिंग आई, क्या हुआ? सर, सारे खुश हो गए सर, मम्मी खुश हो गए, मेरी बस सिस्टर खाली है वो भी खुश खुश हुए हो गई जी सर। कूदे बस नहीं? हाँ जी सर। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। राज सर कुछ पूछेंगे आप इस सर से? थैंक यस नूर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, यू सर। और आपसे भी ज्यादा बधाई हो आपके माता पिता को। और मैं हाँ ये जी सर, चाहूंगा, क्योंकि आपने जो ये मुकाम हासिल किया है ना, तो इसके हकदार आप कम और आपके माता पिता ज्यादा हैं। तो एक हाँ बार जी हम सर, चाहते हैं कि फ्रेम में आपके पेरेंट्स भी आ जाएं, हाँ जी बस सर, एक, क्योंकि एक उनको भी इस दुनिया के सामने लाना है जिनकी वजह से आज आपने मुकाम हासिल किया है। तो हाँ जी सर, माता एक एक पिता मिनट पास सर। में ही है तो बुला लेते एक मिनट के लिए। चलो सर पापा नहीं है सर, मम्मा है। मम्मा को बुला लो। अच्छा हाँ जी आप बुलाइए बुलाइए। नूर, इसके अलावा मुझे, वैसे तो क्रेडिट आपको भी जाता है, आपके माता पिता को भी जाता है, और आपके मदर आ गए हैं, बहुत बहुत बधाई हो जी आपको। आपके बच्चे ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं इस अचीवमेंट के लिए। राज सर थैंक यू सर, आपकी मेहनत है सर करवाई हुई। आपने गाइडेंस इतनी अच्छी दी। ने बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आए हैं, 94-95 मार्क्स लेकर आए हैं। इनसे क्वेश्चन ये नहीं पूछूंगा 94-95 कहाँ से आए, पूछूंगा 4 और 5 नंबर कटे कहाँ पर इनसे। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि थैंक बच्चे से ज्यादा जो क्रेडिट है वो पेरेंट्स को मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी दिन रात की मेहनत लगी हुई होती है उसके साथ में, और वो कोई 1 साल या 2 साल का नहीं होता, बचपन से परवरिश होती है वैसे करके। तो जी, ऐसे करके आपका भी हम डिटेल्ड इंटरव्यू लेंगे बाद में, अभी हमारा शॉर्ट इंटरव्यू है ये वाला आज के दिन, क्योंकि आप भी बहुत बिजी होंगे आज की डेट में, तो हम नूर से कुछ सवाल पूछ लेते हैं, आपके इंटरव्यू डिटेल्स में लेंगे हम। ओके सर, आपने अपने बहुत बहुत बच्चे की धन्यवाद परवरिश जी कैसे आपको। करी। आदित्य सर आप भी बच्चे से बात करो। एक कॉमन सवाल तो यही होता है सर कि क्या आपको पता था कि आप रैंक लाने वाले हैं, या आप बिल्कुल सरप्राइज हो गए ऑल इंडिया रैंक 2 देखकर? तब मैंने सर तैयारी तो ऐसी की थी कि AR1 लेके आना है, पर वेरी गुड, उम्मीद नहीं थी कि पेपर देने के बाद कि इतने अच्छे ऐसे तो था कि मार्क्स अच्छे आएंगे, पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वेरी गुड। आपका बहुत फाउंडेशन में भी अच्छा। रैंक था, फाउंडेशन में सर रैंक डिक्लेयर नहीं मतलब किए थे सर, उसका मेरे मार्क्स थे मेरिटोरियस पोजीशन में आ रहा था। 365, मेरे मार्क्स 365 मार्क्स थे फाउंडेशन में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप कुछ ये पूछ रहे हैं नूर राज सर? जैसे, जी हाँ नूर जैसे आपका ऑल इंडिया रैंक 2 आया है, तो कुछ बातें आप अपनी तरफ से बताइए, बिकॉज कि जो और ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन बच्चों को आपसे किस तरह से इंस्पायर होना है। आपने अपनी तैयारी में क्या क्या खास चीजें करी, कुछ तो खास किया होगा ना, क्योंकि तो खास रैंक आई है आपकी। सर खास ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया सर, जो आपने क्लासेस में पढ़ाया उसको बार बार रिवाइज किया,
जो आपने मतलब जो क्वेश्चन दिए थे उनको लिख लिख के भी किया, जो आपने जीएसटी के आपने कहा था कि एक क्वेश्चन तो रोज लिखना ही है, फिर उसके ऊपर तैयारी की लिखने के बार बार। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा पढ़ाई कितने घंटे करते थे इनू? पढ़ाई सर एवरेज सर 10 आवर्स, 10 घंटे की। और होली दिवाली वगैरह छुट्टियां मनाते थे? आपने मनाते थे? नहीं सर। सोशल मीडिया नहीं मनाते थे? नहीं सर, सोशल मीडिया सर पेपरों के बाद किया सर डाउनलोड, पहले सर बिल्कुल। वेरी गुड। ये अच्छा। बच्चों को मैं बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोशल मीडिया से देखो परे रहे हैं ये, लेकिन क्या होता है ना हम सब सोशल मीडिया के साथ लिप्त रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हम कैसे होंगे। मुझे बताओ आपने अकाउंट्स में प्रैक्टिस कितनी बार की थी? सर क्लासेस में सर 2 बार ही होगी थी, क्योंकि आप जो क्लास में करवाते थे वो 1 बार हो जाता था, उसके बाद जो होमवर्क मिलता था वो 2 बार हो जाती, उसके बाद सर अकाउंट्स की सर मैंने 3 बार की रिवीजन। वेरी गुड। और एफएम के बारे में कुछ बताइए कि एफएम का तैयारी आपने कैसे किया, और फिर आप टैक्स के बारे में बताइएगा। सर एफएम का सर तैयारी सर आपने जो क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स कराए थे वो भी सारे सर पेपर में आ रहे थे, बिल्कुल सर सेम सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा बोलमोल किया इस बार एफएम का पेपर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ था पेपर को। तो आराम से आप इतने अच्छा 85% मार्क्स, बहुत बच्चे बोलते हैं कि थ्योरी भी उसमें अटैच्ड है, इतना आराम से आपने मार्क्स सिक्योर किया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं सर, पहले पेपर देख के सर एक बार हो गया कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पेपर है, थोड़ा सा डाल लगानी पड़ेगी पेपर में इस बार। चलिए तो आपने सब बेस्ट फैकल्टीज चूज किए हैं, टैक्स का बताइए आप, टैक्स में किस तरह से इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया? मैं एक सवाल पूछूंगा अनुराग से, जैसे आजकल सीएन स्टूडेंट ने ना जीएसटी पोर्टल को मैंडेटरी कर दिया है कोर्स के अंदर न्यू स्कीम में। हाँ जी। तो आपको जब मैंने क्लास में जीएसटी पोर्टल से करवाया हर चीज, रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह वगैरह सब करवाया था, तो ये उस समय तो खैर मैंडेटरी नहीं था एग्जाम के लिए, बट फिर भी हमने करवाया था, तो वो आपकी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करता है? सर जैसे सर जो जीएसटी पोर्टल है, हम जो हमारी आईसीआई की बुक है उसमें तो सर थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है कि रिटर्न में थ्योरी में दिया हुआ है, तो वो एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर जो सर आपने लैपटॉप की तो आपने बिल्कुल दिखाया विजुअल जो सर देखा सर वो ज्यादा देर तक याद रहता है, और जो एग्जाम में आंसर लिखते हैं सर उससे सर बहुत हेल्प होती है। ग्रेट ग्रेट, यही मैं बात बच्चों को समझाता हूँ, लेकिन मेरी समझाई बात समझ नहीं आती उनको, आप जो कह रहे हैं ये पक्का समझ में आएगी बात। नूर अपने नंबर तो बताओ, वैसे सब सब्जेक्ट्स में नंबर कितने कितने आए हैं? सर एक मिनट, अकाउंट्स में सर 94 आए हैं। ठीक है, एडवांस अकाउंट्स? एडवांस अकाउंट में सर 95। इतने में दो दो बच्चे पास हो जाते हैं आपको मालूम है? इतने नंबरों में दो दो बच्चे पास हो जाते हैं। अच्छा फिर इनडायरेक्ट टैक्स में? इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं सर, टैक्स में टोटल मार्क्स 79 है। वेरी गुड। और इसके अलावा एफएम में? एफएम में सर 85। वेरी गुड। और बाकी भी आपके क्लासेस जहां से ली थी मैं उनके भी मार्क्स पूछ लूं आपसे, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, पूछ लो सर। तो मुझे बताओ आपने डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस जो ली थी आपने किन से ली थी डायरेक्ट टैक्स? सर सीए सिद्धार्थ अग्रवाल सर कोलकाता से। अच्छा वो कोलकाता वाले सर जो हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और ऑडिट और लॉ? ऑडिट लॉ भी सर उनसे लिया था। बहुत अच्छी बात है। और कॉस्टिंग में? कॉस्टिंग में सर हर्ष जादू सर 98 मार्क्स आए सर कॉस्टिंग। ईआईएसएम? ईआईएसएम सर स्वप्निल पटनी सर। तो मैं बाकी भी सभी टीचर्स जो जिनके नाम लिए उन्होंने स्वप्नी पटनी सर और हर्ष जादू सर और सिद्धार्थ अग्रवाल, इनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि ये स्टूडेंट का रैंक हम सबके मिले जुले एफर्ट से आया है। मैं नूर आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आपने प्लानिंग कब से स्टार्ट कर दी थी, मतलब फाउंडेशन के तुरंत बाद आपने रैंक को टारगेट करके प्लान स्टार्ट कर दिया था, या मतलब कैसे किया था, ये जर्नी कैसी रही थी 9 महीने की? मैंने स्टार्टिंग सर सोच रखा था कि रैंक तो लिख ही आना है कुछ मर्जी हो जाए, तो तैयारी उसी हिसाब से की थी सर। अगस्त में सर रिजल्ट आया था लास्ट ईयर सीए फाउंडेशन का, उसके बाद सर 5-6 दिन बाद सर शुरू करती थी सारी तैयारी। तो आपने लाइव क्लासेस ली थी या गूगल ड्राइव ली थी? सर सर मेनली सर गूगल ड्राइव ही ली थी सर, लाइव ही क्लासेस नहीं ली। अच्छा अकाउंट्स की भी लाइव नहीं ली थी क्या? सर अकाउंट की सर लाइव एट होम थी सर, पर मैं रिकॉर्डिंग देखता था। अच्छा आप रिकॉर्डिंग देखते थे, ठीक है, अपना कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से। तो जब आपने क्लासेस करनी थी तो आप अपना दिन का शेड्यूल क्या होता था, मतलब सुबह कितने घंटे पढ़ते थे या कैसे करते थे? सर मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि सर पेपरों से पहले सर मैं रात तक पढ़ता था, जैसे रात को 4 बजे 5 बजे तक,
अच्छा सुबह के सर, पर पेपर में सर चेंज कर लिया था। पेपर में सर मैं सुबह फिर 4 बजे उठता था, 4-5 बजे पेपर में चेंज अच्छा कर लिया था। अच्छा जो सर पहले था सर, जैसे सुबह 11-12 बजे उठता था सर, उसमें अच्छा सर पहले सर क्लासेस ही इतनी होती थी, अच्छा पहले 6 महीने मतलब सर दिन दिन में क्लासेस कितने नहीं थे घंटे पढ़ते थे आप? दिन में 10, 12, 15 कितने घंटे पढ़ रहे थे? सर। मिनिमम सर 10 आवर्स तो पक्का थे रोज के मिनिमम। और इसमें क्लासेस कितनी करते थे आप? रोज की 2 क्लासें, 1 क्लास, 3 क्लास, कितनी क्लास करते थे? सर क्लासेस सर 9 9 आवर्स, 8 to 9 आवर्स हो जाते थे सर। जो जो 10 आवर्स है सर वो क्लासेस के सर, बाकी जो होमवर्क है उसका अलग था। अच्छा, तो मतलब टोटल कितना हो जाता था? मतलब 9 घंटे की तो क्लासें की आपने, उसके अलावा आपको 2-4 घंटे और भी लगते होंगे। सर 11 से 12, 11-12 आवर्स सर एवरेज। क्या बात है, आपके लिए तालियां बनती है सर, हम सबको तालियां बजानी चाहिए इनके लिए। इतने एफर्ट जो इन्होंने किए और कॉन्टिन्यूअसली लगातार उन्होंने मेहनत करी, तभी इतने नंबर लेकर आए हैं वो लोग। और नंबर देखो तो, सर नंबर देख के तो लगता है भाई नंबर आ कैसे गए ये सर आप सब सर जो इतना भी क्या रैंक बढ़ाया होल्डर्स सर के उसका ये। इंटरव्यू हाँ लिए, जी सर, जी जो भी रैंक होल्डर्स के इंटरव्यू लिए ना सर, उसमें सबसे बड़ी बात देखने को क्या मिलती है, कंसिस्टेंसी। वो बिल्कुल ठीक कह कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं, गैप नहीं आता बीच में, चाहे होली दिवाली छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं मनाते, लगातार उनकी जो रफ्तार है वो चलती रहती है। अच्छा नूर, क्या होता है ना बच्चे ये सवाल भी हमसे पूछते हैं कि कोचिंग्स वगैरह खत्म होने के बाद में रिवीजन कैसे करें और पेपर में लिखें कैसे, ये दो बड़े अहम मुद्दे हैं बच्चों के दिमाग में। तो उसमें बताइए जी। आपने रिवीजन किस तरह से किया, क्या स्टाइल की, और लिखा किस तरह से आपने? हाँ जी सर, जैसे क्लासेस सर मेरी फेब की स्टार्टिंग में खत्म हो गई थी सारी क्लासेस। उसके बाद सर एक बार ऐसे लगता, जब हमने अगर जब ग्रुप वन उठाया फिर से, ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं आता, तो कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि सारा क्लासेस जो फिर टुक टुक चल रही होती हैं। पर जैसे सर आपने जो वो दी थी चार्ट था, जो आपका बाबा की बूटी, उससे स्टार्ट किया, कि बेसिक से शुरू किया बिल्कुल ही। पहले जो सर आपने स्टार्टिंग क्लास कैसे शुरू किया था जी उससे स्टार्ट किया, कि बिल्कुल जस्ट क्या होता है। उसके बाद सर फिर हौली हौली करते सर आगे फिर एडवांस लेवल पे क्वेश्चन शुरू किए, पहले पहले बेसिक से शुरू किया था। अच्छा, जो प्रेजेंटेशन पार्ट होता है उसमें आपने नॉट ओनली माय सब्जेक्ट, मतलब आप ओवरऑल, आपकी प्रेजेंटेशन की क्या अप्रोच रही थी, कि किस तरह से चीजों को प्रेजेंट करना है? सर मैंने प्रैक्टिस करते सर एक चीज की थी, जैसे क्वेश्चन पढ़ता था मैं कोई भी सब्जेक्ट, जैसे स्पेशली थ्योरी का, जैसे क्वेश्चन पढ़ा आंसर नहीं देखता था उसका, पहले माइंड में ना रिकॉल करता था कि मैंने इस हिसाब से क्या क्या पढ़ा हुआ है। सर जैसे अपने क्लास में बताया था कि पहले केस लॉ लिखा था कि हमारा लॉ क्या कहता है हमें, सर ऐसे मैं साइड पे ना बुक की साइड साइड पे थोड़ा थोड़ा लिख लेता कि मुझे क्या आता है पहले। उसके बाद सर आंसर अच्छा, पढ़ता था कि देखता था कि आईसीएक जो आंसर है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो मेरा आंसर है उसमें क्या लिखा हुआ है, दोनों को कंपेयर करता था कि क्या मुझे और लिखना चाहिए। अच्छा इससे सर प्रेजेंटेशन की हेल्प मैं हुई थी। और इस बार तो टेक्स्ट का पेपर बड़ा टफ आया था, मतलब मान के चलो हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर था नवंबर 2020 का। नहीं, हाँ जी बच्चा सर, कॉन्सेप्चुअल पढ़ता है सर, वो रट्टे नहीं लगा रहा, जहां तक मुझे मालूम है रैंक होल्डर्स रट्टे नहीं लगाते हैं, इस वजह से कॉन्सेप्ट्स की नवंबर वजह से ट्वेंटी उनके टू का टॉप पेपर मेरिट्स ना, आते हैं। नवंबर 22 का जो पेपर था उसमें फाइनल लेवल को रखा हुआ था, जो फाइनल के बच्चे से एक्सपेक्ट किया था उस तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे उसके अंदर। ग्रेट हाँ सर, जी सर, ग्रेट। नूर, मेरे नूर 2 क्वेश्चन आपसे भी और हैं, बस 2 ही क्वेश्चन और हैं मेरे, इसके अलावा बाकी टीचर्स के क्वेश्चन होंगे तो पूछेंगे कि आपने कौन सा मटेरियल, आईसीआई का मटेरियल कितना यूज किया, और नंबर 2 मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि आपने कितने टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट कितने दिए, ये 2 क्वेश्चंस के आंसर और चाहिए। तो सर स्टडी मटेरियल तो सर आपकी बुक है अकाउंट्स की, वो तो सारी आईसीए का मटेरियल ही है। वो हमारी बुक नहीं है, वो इंस्टीट्यूट का ही मटेरियल है 100% हाँ जी सर, सर जी वो अच्छे से किया था सर, वो ही 3 बार ही किया था अच्छे से। जो अच्छा ठीक टेस्ट है हैं सर, जो आपके सर वो LMS पे आते हैं, जो जी डेली वो चैप्टर वाइज टेस्ट हैं वो जी किए थे सर। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद और सर बच्चे अक्सर ना क्या होता है कि वो एग्जाम से पहले एक दिन पहले 100% रिवीजन मैराथन देख रहे हैं, पूरा पूरा 8-8, 10-10 घंटे, क्या आपने भी ऐसा किया था एग्जाम से एक दिन नहीं पहले नहीं सर, 8? हाँ ऐसा ऐसे नहीं किया सर मैंने। जो सर अपने पढ़ा होता है ना, जो बुक में अपने हाथों से लिखा होता है सर, वो जल्दी से रिकॉल होता है सर, इसलिए सर जो अपने नोट्स लिखाए हुए थे सर उसको सर पढ़ के गया था मैं सर, कोई ऐसे मैराथन नहीं देखा सर। अच्छा, तो मतलब ये मैराथन का कोई ज्यादा फायदा आपको आपको लगता है होता है बच्चों को, या सिर्फ एक प्रोपागंडा है ये? सर मुझे सर मेरे लिए तो सर जो थ्योरी है उसके लिए सर मैंने, जैसे कि अगर जैसे हमें एक दिन मिलता है बीच में सर,
जैसे पूरे दिन तो हम अपना पढ़ नहीं पाते, थोड़ा सा बीच में हो जाता है। जैसे पहले मैं अपना पढ़ता था 4 घंटे अपना पढ़ लिया, फिर घंटा जो सर की भीड़ होगी थ्योरी की वो सुन ली, कि टाइम वेस्ट ना हो, कि मेरे को कुछ ना कुछ तो दिमाग में जाए, ऐसे किया था सर। नहीं, प्रैक्टिकल पेपर में रिवीजन वीडियो की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल, क्योंकि आजकल बच्चों का ट्रेंड है कि प्रैक्टिकल वीडियो में भी कहते हैं रिवीजन वीडियो होना चाहिए। नहीं नहीं सर, प्रैक्टिकल सर अपने आप किया सर, जो आपने करवाए थे सर, जो नोट्स लिखाए थे सर अपनी कॉपी में, सर उसी से किया सर। ग्रेट ग्रेट, राज सर और आदित्य सर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा नूर से, कि मुझे याद आ रहा है सर कि इन्होंने मेरे से डाउट्स भी पूछे थे सर, जब इन्होंने जीडीपीडी की क्लासेस की थी तो ये डाउट्स भी बहुत पूछते थे, तो क्या मैं सही कह रहा हूँ नूर, आप वही हैं जो डाउट्स पूछते थे? हाँ जी सर। तो आपको आंसर मिलता था डाउट्स का? हाँ जी सर, आपके सर डाउट सॉल्विंग सर बहुत अच्छा है, जैसे मैंने आज सुबह डाउट था शाम तक रिप्लाई आ जाता था उसका। मतलब ये कह सकते हैं कि आप जीडीपीडी क्लासेस में भी डाउट सॉल्विंग का फैसिलिटी आप ले सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल सर। तो आपका डाउट सारा सॉल्व होता था? हाँ जी सर, आपने सर अच्छे से डाउट तो अच्छे से क्लियर हो जाता था। और जो स्टॉक मार्केट की प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोग क्लास में देते थे वो कैसा था आपके लिए? सर पहले ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं पता स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे आपने सर पढ़ाया और थोड़ा उसे समझ आया कि स्टॉक मार्केट चलती कैसे है, कि ऐसे अगर उसमें कम जाते हैं तो फिर वो ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही वो है गैम्बलिंग है, बिल्कुल ऐसे नहीं है वो, थोड़ा सा हम अगर समझ लगाए तो फिर सही सही बात है उसमें सीख। तो अब एडवांस ले, अब आगे जाके एडवांस लेवल पर आप अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, एसएफएम पढ़ने वाले हैं, टैक्स पढ़ने वाले हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। फाइनल में भी हमें आप जैसे स्टूडेंट मिलेंगे तो हम लोग और मेहनत करके आपको ऑल इंडिया रैंक 1 तक भी आपको हम लोग पहुंचा सकते हैं। आपको हमारी तरफ से एक गिफ्ट मिल रहा है कि आप सीए फाइनल के सभी सब्जेक्ट हमारी वेबसाइट पर जो लिस्टेड हैं वो आप बिना फीस के ले सकते हैं, आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, 100% कॉम्प्लीमेंट्री। जोन सा सब्जेक्ट लेना है जितनी बार भी लेना है आप हमसे रिक्वेस्ट करिएगा, हम आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है? थैंक यू सर, आपके इतना थैंक यू सर। और इसी तरह से रैंक लेकर आना है सीए फाइनल में, और इस बार फर्स्ट रैंक चाहिए। हाँ जी सर, सब्जेक्ट टॉपर, सब्जेक्ट टॉपर। लास्ट में नूर पे क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं ये कहूंगा कि जैसे आपका नाम है नूर, आपके चेहरे पर ना वाकई में वो दिख रहा है लगातार कंटिन्यूस स्माइल आपके चेहरे पर बनी हुई है, और ये चेहरे के नहीं अंदर से जो स्माइल आती है ना वो वाली है, और आज हाँ नूर आपका 2 गुना हो गया है। हाँ जी सर, ग्रेट। तो नूर आपका आपका इस शॉर्ट वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने स्टूडेंट्स को, बाकी जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मैंने बहुत सारे सवाल जो क्षणिक होते हैं वो सारे मैंने नूर से पूछ लिए, अगर और भी कोई सवाल होंगे तो आप हमें भेज सकते हैं। अभी और भी इंटरव्यूज लेंगे अपने पास हम बाकी के रैंक होल्डर्स का, और उन रैंक होल्डर्स के साथ आपके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू नूर अगेन फॉर कमिंग, अपने पेरेंट्स को बधाई दीजिएगा। थैंक्स राज सर, थैंक्स आदित्य सर, आप कुछ कहना चाहें क्लोजिंग में? थैंक यू नूर, थैंक यू सर, और आपको और आपके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद बोलिएगा हमारी तरफ से, और बहुत बहुत बधाइयां, और आपके ब्राइट एंड बेटर फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, राधा रानी कृपा आप पर बनी रहे। थैंक यू सर, फाइनल में आपका इंतजार, फाइनल के क्लासेस में आपका इंतजार रहेगा। हाँ जी सर, सर सबको सर आपकी वजह से पॉसिबल हुआ सर, इतना अच्छा मार्क्स कैसे आ सकते हैं ऐसे बच्चे के, सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया सर, सर पेपर लिख कर सर सबको सर याद आ रहा था कि सर आपने क्लास में क्या बोला था, क्या क्वेश्चन क्या करके हमने जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ वही आंसर लिखना, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना हमने, सर जो आपने सर क्लास में इतना अच्छा पढ़ाया था सर वही सब पेपर में आया सर, वही सब किया सर। आपके भीतर बैठे उस ज्ञान को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।